तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप पुलिस कांस्टेबल कैसे बनेंगे। ओके, पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए आपको कितनी पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपकी हाइट कितनी चाहिए, उम्र कितनी चाहिए, आपको रनिंग कितना करना पड़ता है, कौन से पेपर देने पड़ते हैं, सैलरी कितनी मिलती है पुलिस कांस्टेबल बनने के बाद, पुलिस कांस्टेबल बनने के बाद प्रमोशन कैसे होता है, पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। यानी ये मान के चलिए यह वीडियो देखने के बाद ना आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो इसीलिए आप हमारी इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझते रहिए, इसमें आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो आइए दोस्तों, ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सब आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन क्लियर विजन में। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं पुलिस कांस्टेबल क्या होता है, क्योंकि हम जानने वाले पुलिस कांस्टेबल कैसे बने। तो सबसे पहले यह जान लेते हैं कि पुलिस कांस्टेबल क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, पुलिस कांस्टेबल की जो पोस्ट होती है वो पुलिस विभाग के अंतर्गत आती है। ये दोस्तों सबसे छोटी पोस्ट होती है, यानी क्यों कह लीजिए कि यह सबसे प्राइमरी पोस्ट होती है। इस पोस्ट के ऊपर यानी पुलिस कांस्टेबल के ऊपर सीनियर कांस्टेबल होते हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होते हैं और सब इंस्पेक्टर होते हैं, और फिर हायर पोस्ट होती है यानी कि ऊँची पोस्ट होती है। अब आइए बात कर लेते हैं पुलिस कांस्टेबल को हिंदी में क्या कहते हैं। हम जान लेते हैं कि पुलिस कांस्टेबल को हिंदी में क्या कहते हैं। पुलिस कांस्टेबल को हिंदी में सिपाही या आरक्षी बोलते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, पुलिस कांस्टेबल जो है महिला और पुरुष दोनों ही उम्मीदवार बन सकते हैं। अब आइए जान लेते हैं पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, यानी कि आप कितने पढ़े लिखे होने चाहिए और क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए आपको सबसे पहले आपको 12वीं क्लास पास करनी होगी, यानी कि सबसे पहले 12वीं क्लास पास करिए। यानी 10वीं और 12वीं क्लास में आप किसी भी विषय से पढ़ाई कर सकते हैं, कोई नियम नहीं है कि आप जो है इस विषय से पढ़ाई करिए। देखिए दोस्तों, अगर आप 10वीं क्लास भी पास है ना, तो कई जगहों पर पुलिस कांस्टेबल जो है 10वीं क्लास पास उम्मीदवार भी बन जाते हैं। वैसे आप 12वीं क्लास भी पास कर सकते हैं। पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए आपको कोई गंभीर बीमारी नहीं होनी चाहिए, जैसे कि दिल की बीमारी हो गई या डायबिटीज हो गई, यानी कोई गंभीर बीमारी नहीं होनी चाहिए। पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए आरक्षित वर्ग को लंबाई, सीने की माप आदि में छूट का प्रावधान है। यानी कि अगर आप एससी एसटी ओबीसी में आते हैं ना, तो आपको हाइट में और चेस्ट में ओके और भी काफ़ी सारी चीज़ों में छूट दिया जाएगा। और अगर आप पुलिस कांस्टेबल बनना चाहते हैं और आप शादीशुदा हैं, तो इस बात का आवश्यक ध्यान रखिए कि आपके 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं हो। ध्यान दीजिए दोस्तों, 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। ये जो नियम है दोस्तों 2005 से लागू किया गया है, 2005 से पहले ये नियम नहीं था। अब आइए जान लेते हैं पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए। पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए हाइट की अगर बात की जाए कि आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, तो पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए देखिए दोस्तों, जो पुरुष उम्मीदवार होते हैं ना, पुरुष उम्मीदवार के लिए कम से कम जो हाइट रखी गई है 168 सेंटीमीटर रखी गई है। और जो महिला उम्मीदवार होती हैं, महिला उम्मीदवार की अगर हाइट की बात की जाए, तो महिला उम्मीदवार की हाइट 160 सेंटीमीटर रखी गई है, यानी 107 सेंटीमीटर रखी गई है। अब बात कर लेते हैं पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए सीना कितना होना चाहिए, यानी चेस्ट कितना होना चाहिए। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए सीना कितना होना चाहिए, यानी कि आपका चेस्ट कितना होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, चेस्ट की बात की जाए तो पुरुष उम्मीदवार के लिए बिना फुलाए 83 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए और फुलाने के बाद 87 सेंटीमीटर होना चाहिए, और महिला उम्मीदवार का चेस्ट नहीं नापा जाता है। और पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए अगर उम्र की बात की जाए, तो आपकी उम्र जो है 18 साल से लेकर 25 साल के बीच में होनी चाहिए। और दोस्तों, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार जो होते हैं उनको उम्र सीमा में छूट का प्रावधान है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था, यानी पहले ही बता दिया था। पुलिस कांस्टेबल की भर्ती कैसे होती है, आइए दोस्तों अब जान लेते हैं कि पुलिस कांस्टेबल की भर्ती यानी कि पुलिस कांस्टेबल का सिलेक्शन कैसे होता है, यानी कौन सा एग्जाम देना पड़ता है, एग्जाम देने के बाद क्या क्या होता है, सारी जानकारी हम जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, भर्ती में सबसे पहले आपका पुलिस कांस्टेबल का रिटर्न एग्जाम लिया जाता है। पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए सबसे पहले आपको पुलिस कांस्टेबल का रिटर्न एग्जाम पास करना होता है। इसमें दोस्तों आपसे एमसीक्यू यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन लिखा होता है, एक क्वेश्चन के 4 उत्तर लिखे होते हैं, 4 उत्तर में सही उत्तर कौन सा है आपको चूज करके लिखना होता है। इसमें दोस्तों आपसे विषय की अगर बात करें कि किस सब्जेक्ट से
यानी किस विषय से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें दोस्तों आपसे करंट अफेयर, लॉजिक, रीजनिंग और मैथ्स और कंप्यूटर से प्रश्न पूछे जाते हैं। पुलिस कांस्टेबल के रिटर्न एग्जाम में दोस्तों 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनको दोस्तों हल करने के लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाता है। और दोस्तों अगर आप किसी क्वेश्चन का गलत उत्तर देते हैं तो इसमें माइनस मार्किंग भी होती है, इसीलिए आप जो है क्वेश्चन का उत्तर सोच समझ कर दीजिए। इसके बाद जब आपका रिटर्न एग्जाम हो जाता है, इसके बाद पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है। पुलिस कांस्टेबल फिजिकल फिटनेस टेस्ट में दोस्तों इसमें आपसे 5 किलोमीटर की दौड़ करवाई जाती है। पुरुष उम्मीदवार की अगर बात करें तो पुरुष उम्मीदवार को 25 मिनट में 5 किलोमीटर की दौड़ करवाई जाती है, और वहीं अगर महिला उम्मीदवार को 35 मिनट में 5 किलोमीटर की दौड़ करवाई जाती है, यानी रनिंग करवाई जाती है। और जो लोग फिजिकल टेस्ट को यानी इस रनिंग को पास कर लेते हैं उनको फिर यानी चेस्ट के माप के लिए यानी सीने के माप के लिए बुलाया जाता है। ओके, और चेस्ट का नाप जो है सिर्फ पुरुष उम्मीदवार का होता है, महिला उम्मीदवार का नहीं होता है। ओके, अब आइए बात कर लेते हैं पुलिस कांस्टेबल, जब आपका ये फिजिकल फिटनेस टेस्ट हो जाता है इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। जब आप पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल फिटनेस टेस्ट पास कर लेते हैं इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, यानी कि जो है आपने दस्तावेज सबमिट करे थे, यानी जो जो दस्तावेज आपने लगाए थे पुलिस कांस्टेबल का फार्म भरते समय वह सभी चेक करे जाते हैं कि सभी आपके दस्तावेज ओरिजिनल तो है ना, कहीं नकली तो नहीं है। ये सभी चेक करने के बाद आपको मेडिकल टेस्ट के लिए भेजा जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो आपका रिजल्ट होता है, आधार कार्ड होता है, आय जाति मूल्यवास, ये सभी चीजें चेक करी जाती हैं। इसके बाद मेडिकल टेस्ट, पुलिस कांस्टेबल के मेडिकल टेस्ट में दोस्तों आपकी आंखों की जांच होती है और आपके कानों की जांच होती है कि आपको अच्छे से सुनाई तो आता है ना और आपको अच्छे से दिखाई तो देता है ना। उसके बाद एक्सरे होता है और फिर सोनोग्राफी जैसे बेसिक टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें जो है ये सभी चीजों का पता लगाया जाता है कि आपको कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है या पुलिस कांस्टेबल बनने के योग्य है या फिर नहीं है। और आपके घुटने जो है पुलिस कांस्टेबल बनना चाहते हैं अगर आप, तो आपके घुटने आपस में जुड़े हुए नहीं होने चाहिए। अब आइए बात कर लेते हैं पुलिस कांस्टेबल की सैलरी कितनी होती है। पुलिस कांस्टेबल की सैलरी की अगर बात की जाए दोस्तों कि पुलिस कांस्टेबल की सैलरी कितनी होती है, तो पुलिस कांस्टेबल की सैलरी 5,200 से लेकर 20,200 रुपये तक होती है। ग्रेड पे 2,000 मिलता है। ओके, और इसके हिसाब से अगर देखा जाए कि पुलिस कांस्टेबल को कुल वेतन कितना दिया जाता है, तो पुलिस कांस्टेबल को 22,000 से लेकर 25,000 के बीच में मिलता है। और दोस्तों बिहार पुलिस में पुलिस कांस्टेबल की सैलरी ज़्यादा है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात की जाए तो पीएफ यानी कि पेंशन और सरकारी क्वार्टर आदि जो है पुलिस कांस्टेबल को दिया जाता है, और परिवार के सदस्यों को अनुकंपा नियुक्ति, ये सभी सुविधाएँ भी प्रदान की जाती है एक पुलिस कांस्टेबल को। ओके, अब आइए जान लेते हैं पुलिस कांस्टेबल का प्रमोशन कैसे होता है। अगर बात की जाए कि पुलिस कांस्टेबल का प्रमोशन कैसे होता है, तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आप जो है कांस्टेबल बनते हैं। कांस्टेबल बनने के बाद आप जो है हेड कांस्टेबल बनते हैं। हेड कांस्टेबल बनने के बाद आप एएसआई बनते हैं यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बनते हैं। उसके बाद दोस्तों आप एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर बनते हैं। उसके बाद आप सर्कल इंस्पेक्टर बनते हैं। तो इस तरह से आप दोस्तों पुलिस कांस्टेबल बन सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।